हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये अकाउंट मैंने अपने दोस्त से लिया, तो चलो उसको एक शाउट आउट दे देते हैं। तो उसका चैनल का नाम इलाइट गेमिंग YT है, मतलब YT पर उसका चैनल है, और आप उसको सब्सक्राइब जाके कर सकते हैं। उसका चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग जाके आराम से कर सकते हैं उसको सब्सक्राइब। उसकी बेस को भी चेकआउट कर लिएगा, और उस पर आपको मिलेंगी COC की वीडियोस तो मिलेंगी, साथ में क्लैश रॉयल और फोर्टनाइट की जो मॉन्टाजेस होती हैं ना, वो आपको मिलेंगी उस पर। ठीक है, तो ज़रूर चेक करिएगा अगर आप क्लैश रॉयल वगैरह खेलते हैं। अच्छा, आज मैं जिस स्ट्रेटजी के बारे में इसमें बात करने लगा हूँ, वो ये वाली स्ट्रेटजी है हॉग राइडर की। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वॉर के लिए, ठीक है। अभी ये मेरे मैक्स ट्रूप्स भी नहीं है, लेकिन अभी आप देखिएगा कि मैं इस बेस को, मतलब कोई भी बेस, मैंने 3 बेसेस को डेमो लिया है और उसको 3 स्टार करने की कोशिश की है, जो कि सक्सेसफुल भी हुई है। तो मैं आपको वो तीनों के तीनों अटैक्स दिखाऊंगा, और लाइन से मैंने तीनों के तीनों 3 स्टार किए, तो आप देखें कि मतलब कितनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है। ये मेरा दोस्त है, इसकी मैंने उसको बोला कि चैलेंज करना अपनी बेसिस से, तो उसकी 3 बेसिस हैं वॉर, और वो जो यूज़ करता है मेनली 3 बेसिस हैं, तीनों के तीनों पर मैंने 3 स्टार किया है। और मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा दूंगा, और ये स्ट्रेटेजी ज़रूर वॉर में यूज़ करें, बहुत इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहली बेस पे चलते हैं। अब ये जो बेस है, इस टाइप की बेसिस आपको वॉर में नज़र आती हैं, ठीक है। आइलैंड बेसिस हैं, मल्टी टारगेट इन्फर्नो है, तो इस तरह की बेसिस आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। और ये बेस जितनी मतलब फुल मैक्स है, मतलब सिर्फ वॉल्स रहती हैं इसकी, बाकी डिफेंसिस टाइप डिफेंसिवली फुल मैक्स है, ठीक है। तो मैं आपको अब इसके अटैक दिखाता हूँ कि हमने अटैक शुरू ऐसे करना होता है कि हमें CC मिल जाए और क्वीन मिल जाए, ठीक है, और अगर कोशिश करें तो एक इन्फर्नो मिल जाए। हमने इस तरह अटैक करना होता है स्टार्ट। तो अभी मैंने देखा कि इस साइड से क्वीन मुझे मिल रही है, अगर मैं इस साइड से अगर मैं फनल बना के वॉल रेकर और गोलेम और विजर्ड्स वगैरह और पैका वगैरह अगर यहाँ से छोड़ूँ, तो मुझे बहुत अच्छी वैल्यू मिल रही है। तो अभी आप देखिएगा कि मैं यहीं से अटैक अपना स्टार्ट करना लगाऊँ। अब यहाँ से जाएगा, पहले हमने बेबी ड्रैगन डाला ताकि फनलिंग हो जाए, क्योंकि वॉल रेकर और पैका वगैरह बेस के बाहर भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी फनलिंग 2x स्पीड में दिखा देता हूँ, क्योंकि फनलिंग तो फिर अभी आप समझ जाएंगे। और बॉम्ब टावर मैंने वहाँ पर टेकआउट कर लिया एक हॉक से, क्योंकि फिर बॉम्ब टावर हॉक को बहुत दिक्कत देता है, और यहाँ से थोड़ी फनलिंग भी करनी थी, इसलिए मैंने हॉक से ही कर लिया टेकआउट। अब इसमें आपने ये देखना है कि आपने सारे के सारे विजर्ड्स नहीं करने हैं यूज़ की, ठीक है। 3 विजर्ड्स यूज़ करें फनलिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 करें, सारे नहीं करने। वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्यों नहीं करने, ठीक है, वो मैं आपको भी समझाऊंगा। अब यहाँ से आप देखें वॉल रेकर फनल करता हुआ जा रहा है, किंग ने क्वीन को डाउन कर लिया एनिमी की, और उसके साथ साथ अभी हमारी क्वीन ने मल्टी टारगेट इन्फर्नो भी ले लिया, जो कि हमारे मोटिव थे, वो सारे के सारे कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने वॉल रेकर को डिप्लॉय किया, तो टाउन हॉल भी डाउन हो जाएगा और थोड़ी सी वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगी, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि ये अटैक बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से अब हॉक्स की हमने डिप्लॉयमेंट बंच में करनी है, ठीक है। वो टनल 9 में होता है, वो भी मैं उस पर वीडियो डालूंगा अभी कुछ देर बाद के, कुछ दिनों बाद टनल 9 पे हम 6-6 का बंच करके डालते हैं, और इसमें हमने डालना होता है एक बंच में, मतलब उसमें तो हम 6-6 करके डालते हैं ना, इसमें हमने बंच में डालना है, ठीक है। तो हील स्पेल की डिप्लॉयमेंट वहाँ होगी जहाँ पर आपको जाइंट बॉम्ब या बॉम्ब टावर नज़र आएगा, और जहाँ पर आपकी हॉक्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ से हॉक आए, तो मैंने उस साइड पे एक हील दे दिया और एक इस साइड पे हील दिया। इस साइड पे पॉइजन स्पेल हमने इसी दिया कि स्केलेटन स्पेल्स आपके पीछे हैं, इसमें आप फ्री स्पेल CC में ले सकें तो ले लें, और लेकिन आपने पॉइजन स्पेल अपनी अटैकिंग आर्मी में रखना है, क्योंकि पॉइजन स्पेल बहुत इफेक्टिव होता है किंग वगैरह के भी उससे, और दूसरी ये स्केलेटन ट्रैप्स जो निकलते हैं, स्केलेटन ट्रैप जो होता है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखेंगे विजर्ड्स मैंने क्यों बचाए थे, उधर विजर्ड्स यहाँ पर क्लीनअप के लिए हम बचाते हैं, ठीक है। आपने क्लीनअप में थोड़े मिनियंस वगैरह भी लिए थे और विजर्ड्स भी लिए थे, तो उससे क्लीनअप आपको जल्दी हो जाता है और टाइम फेल होने से बच जाता है अटैक, ठीक है। वरना अटैक मेनली ज़्यादातर क्या होता है कि अटैक जो है ना वो टाइम फेल हो जाता है। तो अब यहाँ पर अभी आप देखें, अब हम 4x स्पीड में सिर्फ क्लीनअप चलेगा, और बेस हमने कर ली पहली वाली 3 स्टार। ये बेस आपको अक्सर वॉर में मिलेगी, ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी तो कॉपी का रिवाज है, तो बहुत सारे लोग कॉपी करके बेस यही वाली यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी ये वाली बेस, ठीक है। अब हम दूसरी बेस पे अभी हम देखते हैं, ये भी वॉर में आपको बहुत ज़्यादा मिलती है बेस। तो मैंने ज़्यादातर वही बेसिस देखी हैं जो मतलब आपको ज़्यादातर वॉर में मिलती हैं,
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस साइड से मैंने अटैक शुरू किया क्योंकि यहाँ पर मुझे क्वीन मिल रही है। होपफुली अगर वॉल रेकर अंदर चला जाएगा तो दोनों के दोनों इन्फर्नो मिल जाएंगे, जो कि ऐसा होगा भी। और अभी यहाँ पर भी आप देखिएगा, मैं विजर्ड्स एंड के लिए सेव करूँगा और बेबी ड्रैगन से फनलिंग करूँगा, अभी आप देखते जाएँ। तो यहाँ पर जनाब ये हमने किया अटैक, यहाँ से स्टार्ट किया और एक साइड से हमने डार्क एलिक्सिर ट्रेल लेने की कोशिश की जो कि नहीं ली गई, और उसकी वजह से थोड़ा सा मसला भी हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। देखिए अब बेबी ड्रैगन ने यहाँ पर ले ली क्वीन, ठीक है। अब यहाँ से हम डिप्लॉय अपना करेंगे वॉल रेकर ना, मिनियन ड्रॉप करके मैंने थोड़ी सी फनलिंग की कोशिश की लेकिन वो रेंज में था अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ से भी अभी आप देखें मैं तीन विजिट ही सिर्फ ड्रॉप कर रहा हूँ, और ज़्यादा अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने वॉल रेकर को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करूँ। वहाँ पर थोड़ी सी फनलिंग करनी थी तो एक विजिट और यूज़ कर लिया, वो आपके ऊपर होता है कि अगर आपको फनलिंग अगर ना बन रही है तो आप विजिट यूज़ कर सकते हैं, वरना बेहतर ये होता है कि आप एंड तक सेव करके रखें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पैका अंदर चला गया, वॉल रेकर अंदर चला गया और क्वीन अंदर चली गई। अभी मैंने सिंगल टारगेट इन्फर्नो को फ्रीज़ कर दिया क्योंकि मैं चाह रहा था कि दोनों के दोनों इन्फर्नो आ जाएं, और वॉल रेकर अगर अंदर पूरा जाएगा तो फिर हमें मिलेगी, ठीक है। यहाँ से मैंने बोलर्स छोड़े और ये दोनों के दोनों इन्फर्नो में सिक्योर हो गए। वहाँ से हमने किंग को एबिलिटी दे दी, तो मतलब अच्छी खासी फनलिंग हो गई और अच्छी खासी बेस सिर्फ हमारे किल स्क्वाड से डाउन हो गई। अब हमने हॉक्स छोड़ने, हॉक्स हमने वैसे ही छोड़े जैसे बंच में मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ से हमने पीछे से मिनियन डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी क्योंकि हमने विजिट पहले वहाँ ज़्यादा यूज़ कर लिए, तो हम क्लीन अप अभी से ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वीन को एबिलिटी दे दी, क्वीन अभी एंड तक रहेगी जो कि बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए, और क्वीन को बचाने के लिए हमने इस साइड से अटैक स्टार्ट किया। यहाँ पर आप देखें किंग के ऊपर पॉइजन छोड़ दिया क्योंकि किंग हॉक्स को डैमेज ही दे रहा था, ठीक है। अभी पहला हील दिया, यहाँ पर हम जाइंट बॉम्ब्स वगैरह बहुत सारे नज़र आए तो हम अभी आगे यहाँ पर हील एक देंगे, ठीक है, क्योंकि डबल जाइंट बॉम्ब था और वो फिर उस हिसाब से अभी हम आगे आगे जाएंगे और उसके बाद एक हील यहाँ पर देंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें डैमेज मिल रहा था ऑक्स को, और हमें अभी ऑक्स को थोड़ा सा सेव करना है आखिरी बंच ऑफ डिफेंसेस के लिए, और आखिरी हील हम इन्हीं बंच ऑफ डिफेंसेस पे देंगे। तो इसी तरह एक चेन में ये अटैक चलता है, अगर आपको वो चेन समझ में आ जाती है तो ये अटैक आपके लिए बहुत अच्छा है, और मैं तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है टनल 10 और 9 के लिए और 8 के लिए भी, और 8 पर भी मैं अभी वीडियो लाऊंगा। अगर इस वीडियो में चलो अगर कह लेते हैं कि चलो अगर 5 लाइक्स भी आ जाते हैं इस वीडियो पे तो मैं वो वीडियो डालूंगा क्योंकि मेरा वैसे भी मूड है वो वीडियो डालने का, तो बस 5 लाइक्स का एम रखा है, 5 लाइक्स कर दो तो टाउन हॉल 8 पर मैं ये अभी स्ट्रेटेजी नेक्स्ट लाऊँगा, फिर टाउन हॉल 9 पर भी आपको दिखा देंगे। तो अभी ये देखिए अभी बस क्लीन अप ही है और हमने इस अटैक को भी अच्छी तरह परफॉर्म कर लिया है। अब जो तीसरी बेस है, ठीक है, वो बेस लेजेंड लीग पुशिंग में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आप टाउन हॉल टेन में अगर आपको कोई अपने जैसा टाउन हॉल मिलता है तो वो यही वाली बेस ज़्यादातर यूज़ कर रहा होगा, और बहुत सारे लोग इस बेस को वॉर में भी यूज़ करते हैं। तो अब इस बेस में अभी आप देखें मेरा मोटिव क्या है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस साइड से वॉल रेकर घुसे और ये इन्फर्नो दोनों के दोनों टेक डाउन हो जाएँ वॉल रेकर से ही। तो अभी हम देखते हैं कि इस अटैक में आगे क्या हुआ है। बेबी ड्रैगन से हमने सबसे पहले फनलिंग की है, बेबी ड्रैगन बहुत ज़्यादा काम आते हैं फनलिंग में, इसके लिए आपको ज़्यादा विजर्ड्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि आप बेबी ड्रैगन यूज़ कर रहे हो। तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये बेबी ड्रैगन्स वगैरह बहुत अच्छी तरह फनलिंग कर रहे हैं, और अभी हमने यहाँ पर गोलेम छोड़ा, पीछे से तीन विजर्ड सिर्फ छोड़े। देखिए तीन विजर्ड से ऊपर आप अगर बचा लेना बाकी के तीन विजिट्स तो आपकी क्लीन अप बहुत आराम से हो जाएगी, ठीक है, फिर आपको टाइम फेल का पंगा नहीं होगा। इस तरह भी इनमें किल स्क्वाड में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ना, तो फिर हॉक्स को टाइम का थोड़ा सा मसला हो जाता है, लेकिन वो अगर आप इस तरह से स्ट्रेटेजिकली प्लान करेंगे अटैक तो फिर नहीं होगा टाइम का मसला। अब यहाँ पर मैंने सिंगल टारगेट इन्फर्नो को फ्रीज़ कर दिया क्योंकि वो मसला दे रहा था वॉल रेकर को, हमने वॉल को टेक डाउन करके बोलर्स आए, हमने बोलर्स पर रेज दे दिया। हील हमने हॉक्स के लिए बचाना होता है, अगर आप देना चाहें तो आप एक हील दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि हील हमें हॉक के लिए बचाना चाहिए तो फिर उसमें आगे काम आता है हील। अब यहाँ पर हमने क्वीन को एबिलिटी दे दी और यहीं से अभी हम हॉक्स की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देंगे। अब ये पूरी की पूरी चेन में जाएगी, यहाँ से डिफेंसिस लेगी, फिर उसके बाद ये वाली डिफेंसिस लेगी, फिर ये वाली डिफेंसिस लेगी, और फिर आगे इसी तरह चेन में ये वाली लेगी। अब इसमें एक चीज़ आपको जहन में रखनी होती है कि ऐसी बेसिस में ज़्यादातर ये जो एलिक्सिर स्टोरेजेस यहाँ लगी होती है ना, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो ट्रोल करने के लिए एलिक्सिर स्टोरेजेस के ऊपर ही सारे बॉम्ब्स रखते हैं, तो अगर आप उन बॉम्ब्स को जितना अवॉइड कर सके कर लें
तो आपके लिए अच्छा होगा। जिस तरह अभी मैंने भी यहाँ पर पीछे से अटैक स्टार्ट किया तो आगे वाले सारे के सारे बॉम्ब्स अवॉइड हो गए, और जो कि हॉक्स के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि बॉम्ब्स हॉक को बहुत अच्छा डैमेज देती है। ठीक है, अब यहाँ से साथ साथ क्लीन अप हो रही है, साथ साथ हम लोग अटैक भी कर रहे हैं, और अभी ये बॉम्ब टावर टेक डाउन हो गया, और बस अब तो ये फिर एक रैप है। ठीक है, अब देखें ना यहाँ से सारे के सारे ट्रैप्स निकले, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर अभी ये पॉइजन स्पेल अगर हमने ड्रॉप किया तो ये स्केलेटन ट्रैप्स के ऊपर पॉइजन ट्रैप्स हमने ड्रॉप करके, पॉइजन स्पेल ड्रॉप करके हमने इनको किल कर दिया। ठीक है, अब ये हॉग्स आहिस्ता आहिस्ता सारी की सारी बेस क्लियर कर देंगे, और अब बस क्लीन अप है। ठीक है, तो अभी अगर आपको आर्मी नोट डाउन करनी है तो आप आर्मी नोट डाउन करने के लिए मैं आपको एक दफ़ा पूरी की पूरी आर्मी करके दिखा देता हूँ। तो ये आर्मी है, 5 आर्चर्स हैं जो कि क्लीन अप के लिए हैं। ठीक है, 6 विजर्ड्स हैं जिनमें से 3 आपने स्क्वाड में लगाने हैं, मतलब किल स्क्वाड में, और 3 विजर्ड जो हैं वो आपके क्लीन अप के लिए होंगे। एक पैका है, 2 बेबी ड्रैगन्स हैं जो कि फनलिंग के लिए कम्प्लीटली, 3 मिनियंस हैं वो भी क्लीन अप के लिए। ठीक है, 26 हॉग हैं और एक गोलेम है, और ये आपका गोलेम जो है और पैका ये आपका मेन किल स्क्वाड है विद वॉल रेकर क्वीन एंड किंग और साथ में फ्री स्पेल। बाकी स्पेल्स में 4 हील, 1 रेज और 1 पॉइजन है। 4 हील्स जो हैं वो आपके हॉक्स के लिए, 1 रेज जो है वो आपके किल स्क्वाड के लिए, और जो पॉइजन है 1 वो स्केलेटन ट्रैप्स के लिए। ठीक है, CC में आप रिकमेंड करूँगा बॉलर्स ले लें, और अगर आप बॉलर्स नहीं लेते तो आप पैका भी ले सकते हैं, 1 पैका 2 जाइंट्स, और अगर आपको पैका भी पसंद नहीं आ रहा तो आप वुल्कारी भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है जो आपको पसंद है, लेकिन इन 3 ट्रूप्स के अलावा ट्रूप्स ज़्यादा वो काम नहीं करते। ठीक है, उसके अलावा आपने 1 फ्रीज लेना है जो कि आपके एक मेन किल स्क्वाड में यूज़ होगा, और उसके साथ साथ आपने 1 वॉल रेकर लेना है। ठीक है, तो गाइज बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस बनाने में फिर मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आपको टाउन हॉल 8 के ऊपर चाहिए वीडियो तो 5 लाइक्स कर दें तो आपको कल तक वीडियो उसकी भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने आस पास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।